लोकसभा चुनाव के परिणाम आते के साथ भाजपा के ऊपर ये आरोप लगने शुरू हो गए कि इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार जेडीयू और टीडीपी के बैसाखी के सहारे खड़ी है। आरोप ये लगने लगे कि इस बार नरेंद्र मोदी उस असर और मजबूती के साथ सरकार नहीं चला पाएंगे जिस मजबूती के साथ वो पिछले दो कार्यकाल में चलाते आए। आरोप था कि नरेंद्र मोदी इस बार बड़े और कड़े फैसले नहीं ले पाएंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये बात दोहराते रहे हैं कि उनका तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों का कार्यकाल होगा। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं आयोग। मंत्रिमंडल अपना शपथ ग्रहण समारोह पूरा कर चुका है। आज के वीडियो में कुछ आंकड़े देखेंगे और समझेंगे कि क्या सच में अपने तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए, और बात करेंगे एक संभावना पर जो संभावना ये बताती है कि हो सकता है जल्दी भाजपा सचमुच में 400 का आंकड़ा पार कर जाए और अपने चुनावी वादे चुनावी नारे को पूरा कर ले। चार तारीख को जब 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो भाजपा 272 के बहुमत के आंकड़े को पार नहीं कर पाई। भाजपा 240 पर अटक गई। खैर, उनके गठबंधन एनडीए को 293 सीटें मिली और एनडीए सरकार बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें सरकार बनाने के लिए गठबंधन के दलों के ऊपर निर्भर रहना पड़ा, और उसमें भी दल कौन से हैं? टीडीपी है और जेडीयू है। वो जेडीयू जिनका इतिहास किसी एक पार्टी के साथ रुकने का नहीं, जिनके मीम वायरल हो रहे थे कि नीतीश सबके हैं। मीडिया पर तरह तरह की खबरें चल रही थी जिनमें बताया जा रहा था कि टीडीपी इतने मंत्री पद मांग रही है, जेडीयू चाहती है स्पीकर उनका बने, वित्त मंत्रालय के लिए किश्तान हो रही है। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके 71 मंत्रियों ने शपथ ली है तो आंकड़ा कुछ और ही नजर आ रहा है। शपथ ले रहे इन मंत्रियों की संख्या को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा किसी के दबाव में काम कर रहे। इन आंकड़ों को देखिए, भाजपा के पास 293 में से 240 सांसद, यानी एनडीए की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 82% स्ट्रेंथ भाजपा का है। लेकिन जब 71 मंत्रियों ने शपथ ली है तो मंत्रियों में 60 मंत्री भाजपा के, यानी कि यहां पे उनकी संख्या 84.6% की है। जितने सांसद हैं उससे 2.6% मंत्री उनके पास ज्यादा है। वहीं टीडीएस के पास 16 सीटें हैं, 16 सांसद हैं उनके और उनको दो मंत्री मिले हैं, 5.4% की स्ट्रेंथ है और उनको 2.8% मंत्री पद मिला है। जदयू की हालत देखिए, जदयू के पास भी 12 सांसद हैं, यानी कि 4% की उनकी स्ट्रेंथ है, उन्हें भी मंत्री पद दो ही मिले हैं, 2.8%। कुल मिला के जिन 71 सांसदों ने शपथ ली उनमें से 60 सांसद भाजपा के हैं और मात्र 11 सांसद दूसरे दलों से हैं, सहयोगी दलों से। इसमें 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 30 कैबिनेट मंत्रियों में से 25 भाजपा के हैं, 5 सहयोगी दलों के हैं, 5 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, इनमें से 3 भाजपा के हैं, 2 दूसरे सहयोगी दलों के हैं, 36 राज्य मंत्री हैं जिनमें से 32 भाजपा के हैं और 4 दूसरे सहयोगी दलों। नरेंद्र मोदी अपने चुनावी प्रचार के दौरान भी और बार बार ये बात कहते रहे हैं कि उनको जो पहला कार्यकाल मिला वो पहला कार्यकाल पिछले गलतियों को ठीक करने का कार्यकाल था, दूसरे कार्यकाल में उन्हें भविष्य के भारत की आधारशिला रखी है और उनका तीसरा कार्यकाल 1000 साल के भारत की नींव मजबूत करेगा, 1000 साल की दिशा तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये बात बोलते रहे हैं कि उनका आने वाला कार्यकाल ऐतिहासिक कार्यकाल होगा और बड़े फैसलों का कार्यकाल होगा। अभी जब शपथ लेने से पहले भी प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को अपने यहाँ पे चाय पे चर्चा पे बुलाया था, उसमें भी बात की। प्रधानमंत्री ने एक एजेंडा तय किया है कि वो 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना चाहते हैं, 2024-25 में भारत को 5 ट्रिलियन पर ले जाना चाहते हैं और 2030 तक भारत को 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो अभी भारत 3.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और अगर भारत 10% से ग्रो करता है तो भारत अपने अगले साल में 5 ट्रिलियन के आंकड़े को छू भी सकता है। इसके साथ ही पीओके का मामला है, यूसीसी जैसे बड़े मामले हैं, एनआरसी लागू करना है। इन बड़े फैसलों के लिए प्रधानमंत्री को सहयोगी दलों की और पूर्ण बहुमत की जरूरत पड़ेगी और अभी मंत्रिपरिषद के जो आंकड़े दिख रहे हैं, अभी जो डायनमिक्स दिख रहा है,
एनडीए की बैठक में जो बातें टीडीएस के नेताओं के पास से निकली हो या नीतीश कुमार ने जो बातें कही हो, उन बातों को सुनकर यही लगता है कि भाजपा मजबूत स्थिति में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूत स्थिति में। और अगर चीजें गड़बड़ भी होती हैं तो कुछ ऐसे लक्षण दिख रहे हैं जो बताते हैं कि हो सकता है जल्दी भाजपा सचमुच में 400 का आंकड़ा पार कर जाए। इसके दो कारण। पहला, अभी ही आपने देखा होगा कि किस तरह रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस कार्यालयों के बाहर लोग फॉर्म लेकर के खड़े हैं और पैसे मांग रहे हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान उनको एक पर्चा दिया गया था जिसमें राहुल गांधी के साइन है और उनसे वादा किया गया था कि सरकार बनते के साथ ही उनको 8,500 रुपए खटाखट उनके अकाउंट में। अब लोग अपना पैसा मांगने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में एक दिल्ली के एडवोकेट हैं विभोर आनंद, उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है और PIL लगाया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो 1951 का कानून है उसके सेक्शन 123(1) के अंतर्गत पैसे दे के वोट नहीं लिए जाएंगे। उनका आरोप यही है कि कांग्रेस ने वोट लेने के बदले लोगों को पैसे का लालच दिया। ये अगर नहीं भी होता है तो एक दूसरा मामला है जिसके बारे में मीडिया में कई बात। 2026 में भारत में डीलिमिटेशन होना है, यानी लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जानी है, लोगों की जनसंख्या के आधार पर राज्यों को और अधिकार मिलने हैं। और इसके बाद 2026 के डीलिमिटेशन के बाद जो लोकसभा सीटें अभी 543 हैं वो बढ़ के 753 हो जाएंगी, यानी 210 लोकसभा सीटें बढ़ने वाली। 2027 में इन 210 लोकसभा सीटों में फिर से लोकसभा चुनाव आएंगे होंगे और अगर भाजपा इनमें अच्छा परफॉर्म करती है तो हो सकता है कि भाजपा अपने दम पर पूर्ण बहुमत भी ले आए और 400 का आंकड़ा भी पार कर जाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? कि आपको सच में लगता है कि नरेंद्र मोदी अभी भी उतने ही मजबूत हैं या कमजोर हो गए हैं? कमेंट करके बताइए। और उसके साथ ही इस तरह के वीडियोस लगातार देखने के लिए फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आयुष से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुष को सब्सक्राइब जरूर करें।